महाशिवरात्रि 2024 8 या 9 मार्च ना हो कंफ्यूज, इस दिन है शिवरात्रि व्रत। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2024 में महाशिवरात्रि व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन क्या करें क्या ना करें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। महाशिवरात्रि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। शास्त्रों में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल महाशिवरात्रि पर दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस साल महाशिवरात्रि के साथ शुक्र प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा, जिससे इस दिन का महत्व कहीं अधिक होगा। इस दिन निशीत काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए जानते हैं साल 2024 में महाशिवरात्रि सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन क्या करें क्या ना करें। महाशिवरात्रि शुभ मुहूर्त 2024। साल 2024 में महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। चतुर्दशी तिथि शुरू होगी 8 मार्च रात्रि 9:57 पर। चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 9 मार्च सायंकाल 6:17 पर। निशीत काल पूजा का समय होगा 9 मार्च सुबह 12:04 से 12:52 तक। महाशिवरात्रि व्रत का पारण होगा 9 मार्च सुबह 6:27 से सायंकाल 3:28। महाशिवरात्रि व्रत विधि। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, फिर व्रत का संकल्प लेकर भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भगवान शिव को सफेद चंदन से तिलक कर भस्म बिल्व पत्र धतूरा चंदन पुष्प धूप दीप अर्पित करें। इसके बाद महाशिवरात्रि व्रत कथा का पाठ और शिव मंत्रों का जाप कर आरती करें। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि के चारों प्रहर में शिव पूजन करना लाभकारी होता है। अगले दिन व्रत का पारण करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन क्या करें क्या ना करें। धार्मिक मान्यता अनुसार महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद महादेव को जल और दूध अर्पण कर शिव मंत्रों का जाप करना शुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत फलाहार करना चाहिए। महाशिवरात्रि की रात ध्यान के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। इस दिन रात्रि में ध्यान लगाना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और देर तक नहीं सोना चाहिए। इस दिन किसी का अपमान न करें और किसी के प्रति गलत विचार मन में न आने दें। शिवजी की पूजा में कुमकुम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शिवजी को केतकी के फूल और टूटे हुए अक्षत भी नहीं चढ़ाने चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारी पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।